हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे कंटिन्यूअसली मेल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पूछ रहे थे कि आपके कोर्सेज नहीं दिख रहे, आपके क्लासेस नहीं दिख रही, आपकी प्रोफाइल नहीं खुल रही है। तो उन सारी चीजों का जवाब मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। दूसरी बात, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पक्ष क्या है, उस सारी चीजों के पीछे मैं आपको आपके सामने रखने वाला हूँ। तो देखिए, मैं 2016 की तैयारी कर रहा था। जनवरी फरवरी 2017 की बात है जब मैंने टीयर थ्री दे दिया था। और आप जब टीयर थ्री दे लेते हो तो आप फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे होते हो और उस समय आपके पास करने को कुछ खास होता नहीं है। तो उस समय तक जियो आ चुका था, मैं भी मोबाइल अच्छा खासा यूज करने लगा था। तो उस समय मुझे मौका मिला, उस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया गया कि आप यहां पे पढ़ा सकते हैं और इस तरीके से आपको लेक्चर्स देने होंगे वगैरह वगैरह मुझे बताया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि विजन बहुत अच्छा था। जो विजन था वो ये था कि डेमोक्रेटाइज द एजुकेशन, हमें लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना है। और इट वॉज अ वेरी गुड विजन फ्रॉम माई साइड, मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते थे और आसानी से पहुंच सकते थे, इसलिए मैंने उसको ज्वाइन किया। और विजन आज भी बहुत अच्छा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अब एजुकेशन को पहुंचाना है। मैंने उसे ज्वाइन किया, मैं कंटिन्यूअसली वहां से पढ़ाता रहा, आराम से क्लासेस चलती रही, सारी चीजें होती रही। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, सीजल 2016 में सिलेक्शन हो गया, मैं ऑडिटर सिलेक्ट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ज्वाइनिंग आते आते 2018 हो गई थी, मई 2018 में मेरी ज्वाइनिंग आ गई। उसके बाद मैंने नौकरी ज्वाइन करी एंड जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी तो मैंने रियलाइज किया कि मैं शायद वो व्यक्ति नहीं हूं जो एक सरकारी नौकरी के लिए बना है और मैं मुझे उस सिस्टम में, उस पूरे तरीके में चीजें नहीं फिट बैठी, मेरे लिए वो चीज नहीं सही लगी। तो मैंने डिसाइड किया कि चूंकि ये एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए था और मैं वहां पे ऑलरेडी पढ़ा रहा था तो मुझे लगा कि ये चीज बेहतर है मेरे लिए। और क्योंकि वहां का जो हायर मैनेजमेंट था, मुझे उनका विजन बहुत सही लग रहा था कि चीजें वाकई में काफी अच्छी हैं, और इसलिए मैंने उस अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ा जिसके लिए काफी लोग हिचकते हैं, मैंने उसे छोड़ा और मैं इस तरफ आ गया, इस लाइन में आ गया और मैंने कहा कि मैं अपना करियर अब इसी तरफ बनाऊंगा। तो मैं कंटिन्यूअसली यहां पर कर रहा था काम। उसके बाद तमाम चीजें हुई, अलग अलग तरीके के प्लस कोर्सेज आए, मैं उन सारी चीजों में रहा। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन मॉडल आया। सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और आई वॉज परफॉर्मिंग इन स्पाइट ऑफ, वहां पे बहुत सारे स्टॉलवर्ट्स थे, बड़े बड़े टीचर्स थे जो मार्केट के, ऑफलाइन के, या बड़ी फैकल्टीज थे, वो लोग भी थे और मैं भी वहां पे था एंड आई वॉज परफॉर्मिंग प्रीटी वेल देयर। मैं उनके साथ में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स वहां पे मिल रहा था। बट आफ्टर दैट प्रॉब्लम होती है कि चूंकि मैंने कहा कि हायर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन जो लोअर मैनेजमेंट है वो यहां का इस तरीके से काम करता है जैसे कि कोई सरकारी कंपनी काम करती है। सरकारी कंपनी में क्या होता है कि अगर आपने किसी एक व्यक्ति से आपकी नहीं बन रही है और अगर वो पावर में है और अगर उसके पास पावर है तो वो आपको वहां से कभी भी चीजें आपके इन फेवर में नहीं होने देगा। तो वही चीजें होना शुरू हुई, लोअर मैनेजमेंट से नहीं बनी और उनसे कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से धीरे 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 मैं साइडलाइन होता रहा। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझसे पढ़ रहे थे वो जानते हैं कि आप मुझे क्लासेस में आकर बताते थे, सर आपका कोर्स प्रोफाइल पर नहीं दिख रहा, सर आप किसी बैचेस में आपकी क्लासेस नहीं दिख रही, सर आपकी स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, सर प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रोफाइल नहीं दिख रही। ये सारी चीजें हो रही थी जब तक मैं वहां पे पढ़ा रहा था, तब तक भी तो मेरे कोर्सेज नहीं दिखते थे। बच्चों को कोर्सेज के लिए मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ता था या टेलीग्राम पे मैसेज करना पड़ता था कि सर कोर्स का लिंक भेज दीजिए क्योंकि प्रोफाइल पे आपका कोर्स नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही थी, मुझे प्रॉपर मौके नहीं दिए गए। आप लोग भी जानते हैं बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उन्हें अलग अलग तरीके से मौके मिलते हैं, अलग अलग जगह पर वो पढ़ा रहे होते हैं, अलग अलग तरीके मिलते हैं। मुझे उनसे किसी भी मौकों में किसी भी जगह पर इन्विटेशन नहीं मिलता था, मुझे कहीं पे भी पिछले कुछ दिनों से मुझे वहां से हर जगह से धीरे 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 वाइप आउट किया जाने लगा। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई और चीजें मेरे फेवर में नहीं रही क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिकली किसी को भी रिमूव करोगे तो धीरे 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 वो प्लेटफॉर्म से रिमूव हो जाएगा। एज आई सेड, ये सारी चीजें लोअर मैनेजमेंट के द्वारा की जा रही थी और हायर मैनेजमेंट तक जब तक ये चीजें पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी एंड नथिंग कुड बी डन फ्रॉम देयर। तो मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई, मुझे मौके नहीं दिए गए और मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस जब मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था उस समय पर भी प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़े बड़े टीचर्स मौजूद थे एंड आफ्टर दैट आल्सो आई वाज परफॉर्मिंग प्रीटी वेल और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पढ़ भी रहे थे और मुझे ये भी कहा जाता रहा कि यू आर अ फैंटास्टिक टीचर एंड यू आर अ फैंटास्टिक एजुकेटर। और ये चीज चूंकि मेरी यूट्यूब पे, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है तो यूट्यूब पे जो मेरी वर्ल्ड पावर सीरीज है वो मेरी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज है। तो चीजें
जानबूझ के इस तरीके से चीजें की गई कि आपको साइडलाइन कर दिया जाए। तो वहां से सीधे धीरे 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 चीजें साइडलाइन हुई और चीजें आज की तारीख में खत्म हो गई हैं। तो अब वहां से मेरा कोई नाता नहीं रहा है, अब आप मुझे जो भी देखेंगे इसी चैनल पर देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को इतना लोगों तक पहुंचाना है कि जिससे कि ये बात हायर मैनेजमेंट तक पहुंचे, वो समझें कि हाँ ठीक है चलिए आगे चीजें ऐसी ना हो और आगे के लिए आने वाले लोगों के लिए चीजें बेहतर हो। तो ये चीजें आपको करना है। साथ ही साथ आपको जो क्लासेस मिलेंगी, जो वीडियोस मिलेंगे और कहां पे मैं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें आपको यहीं पर मिलेंगी। दूसरी चीज है कि चूंकि एसोसिएशन था जिसकी वजह से मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस दे पाऊं, तो वो चीजें अब आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वीडियोस मिलेंगे, मैक्सिमम क्लासेस आपको यहीं मिलेंगी, और जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चीजें होंगी, जो भी आगे बदलेंगे, मैं कहीं और पढ़ाता हूं या जो भी चीजें होंगी, वो आपको इसी चैनल पे पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बात अगर थोड़ा ऊपर तक पहुंचानी हो तो आवाज थोड़ी ऊंची करनी पड़ती है। तो मेरी आवाज आप लोग ऊंची कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसे शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के सारे अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।